हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 6 का रमन्या प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 का यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। तो आपका यही मॉडल क्वेश्चन भी है और यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअल में, लेकिन आप इसी से मॉडल क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्लास 6 का देखेंगे, उसके बाद मैं क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10 भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 90 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को और हर एक सब्जेक्ट से आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, इसलिए 80 पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग मैथ देखते हैं। पहला गणित देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 3, तीसरा है 1 और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो देखिए, गुणात्मक तत्समक 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जैसे हम लोग 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, 3 ही होगा। उस तरीके से 4 को भी अगर हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो 4 ही होता है। ठीक है, तो 1 हमारा गुणात्मक तत्समक है। अब बढ़िए सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा ठीक है? -8 बड़ा है -7 से, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 1 छोटा है 0 से, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, -1 छोटा है 0 से, तो ये सही है। ठीक है, 0 बड़ा है -1 से, ये तो सही है। फिर देखिए डी नंबर, -2 छोटा है 4 से, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीसरा भी सही है, ऑप्शन चौथा भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, 2 विषम और 1 सम संख्या का जोड़ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पर सम हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 विषम है, 3 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, 6 में फिर से सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सम। फिर देखिए चार नंबर, 100 से कम लगातार संख्याएं बताएं ताकि उनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो यहाँ पर बताना है कि 100 से कम लगातार ऐसा संख्या बताना है कितना है जो जिसके बीच में कभी भी अभाज्य संख्या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 90 लिखेंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इतना है, ये सब सभी भाज्य संख्या है। चलिए हम लोग सबको काउंट कर लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, लगातार पूछा गया है इसलिए हम लोग 90 से स्टार्ट किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्याओं 9 से 19 तक अभाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी? यहाँ पर पूछा गया है प्राकृत संख्याओं 9 से 19 तक में कितना अभाज्य संख्या है, उसका भिन्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर, 5 से 19 तक प्राकृतिक संख्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब यहाँ पर देखिए अभाज्य भिन्न कैसे लिखेंगे, कुल अभाज्य संख्या। यहाँ पर कितना अभाज्य संख्या है, देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, फिर 17 अभाज्य संख्या है और 19 अभाज्य संख्या है। टोटल हमारे पास अभाज्य संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे और कुल प्राकृत संख्या यहाँ पर कितना है, तो 15 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 को नीचे लिख देंगे, 6/15 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्रीकांत ने कुल 5 किलोग्राम आलू और प्याज खरीदा, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम आलू था, बताइए प्याज कितना किलोग्राम था? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 केजी में हम लोग 3.5 केजी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 किलो 500 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा प्याज, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 किलो और 500 ग्राम।
बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मोहिनी के पास फल की 30 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में 20 आम है, प्रत्येक टोकरी में दो आम सड़े हैं, तो बताइए कि अच्छे आमों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुल टोकरी की संख्या 30 है, प्रत्येक टोकरी में आम 20 है, कुल आम बराबर 30 गुना 20 हो जाएगा 600, प्रत्येक टोकरी में सड़े आम 2 है, तो कुल सड़े आम की संख्या 30 गुना 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टोकरी की संख्या 30 है, 30 को 2 से गुना कर देंगे, 60 आम सड़े हुए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर, कुल अच्छे आम बराबर 600 में से हम लोग सड़ा हुआ आम को माइनस कर देंगे, तो 540 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 540। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, 3 जोड़ x बराबर 21 हो तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर, 3 जोड़ x बराबर 21, x को नीचे से उतार देंगे, 3 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे, तो +3 है, इधर आकर -3 हो जाएगा, 21 में 3 माइनस करेंगे तो 18 बच जाएगा। इस तरीके से x बराबर 18 हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, वृत्त और चाप खींचने के लिए किस ज्यामिति यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वृत्त बनाने के लिए, इस तरीके से वृत्त बनाने के लिए आप कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। पहला है डिवाइडर, दूसरा प्रकार, तीसरा रूलर और चौथा है कौन मापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाल। प्रकाल मतलब चाप होता है, जो इस तरीके से रहता है, आप लोग यहाँ पर पेंसिल फिट करते हैं यहाँ पर और इधर नुकीला रहता है, ठीक है, और इस तरीके से गोल करके आप वृत्त बनाते हैं, तो चाप इसका सही आंसर होगा प्रकाल। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, जब दो रेखाएं परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण होता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 90 डिग्री, ठीक है, कहीं पर भी लंब रहेगा तो समझिए 90 डिग्री है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है तो कमरे की चौड़ाई बताइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 12 नंबर, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर, आयताकार कमरे का लंबाई 12 मीटर, आयताकार कमरे का चौड़ाई हम लोगों को निकालना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है 48, यहाँ पर रख देंगे, लंबाई का वैल्यू 12, चौड़ाई का निकालना है। अब देखिए 12 को बराबर का इधर ले आएंगे, 12 और चौड़ाई के बीच में गुना है तो 12 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 4 बचेगा, चौड़ाई बराबर 4 आ जाएगा। देखिए 4 मीटर बराबर चौड़ाई, तो चौड़ाई को इधर लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 4 मीटर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 15 मीटर है। तो 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणी भुजा, या फिर आप भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 15 गुना 15, 225 मीटर वर्ग का क्षेत्र, 225 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर, राहुल ने 5 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम 50 ग्राम अंगूर और 4 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे, खरीदे गए फलों का कुल वजन कितना होगा। तो सबको लाइन से जोड़ देना है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 नंबर, 5 केजी सेब और 2 केजी 50 ग्राम अंगूर, 4 किलो और 300 ग्राम आम, तो टोटल जोड़ देंगे तो हमारे पास 11 किलो 350 ग्राम टोटल यहाँ पर फल का वजन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर, 18 रुपये 75 पैसे को दशमलव में लिखिए। यहाँ पर देखिए 18 रुपये 75 पैसे को दशमलव में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, 18.75। फिर देखिए 16 नंबर, दशमलव संख्या 3.8 को सरलतम रूप में बदलिए। तो देखिए 16 नंबर, 3.8 को सरलतम रूप में बदलना है, 3 और 8 को लिख लेना है, और देखिए दशमलव के बाद देखना है कितना संख्या है, एक संख्या है, ठीक है, दशमलव के बाद इधर इधर देखना है कितना संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से 38/10 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वैसे इसको काट भी सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं काटे क्योंकि आंसर यहीं पर हम लोगों को मिल जा रहा है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर,
जब घड़ी के घंटे की सुई 1 से 4 तक जाती है तो समकोण की संख्या कितनी होगी? देखिए, 1 से 4 तक अगर कोई सुई जाएगा तो कितना समकोण बनेगा बताना है। यहाँ पर देखिए, एक घड़ी मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, पहले 1 में था, 1 से 4 में आ गया, तो कितना समकोण बना है? सिर्फ 1 समकोण बना है, ठीक है, यहाँ पर 1 समकोण बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा डी, सिर्फ 1 समकोण। फिर देखिए 18 नंबर, एक कोण जिसका माप पूर्ण घूर्णन के बराबर हो, यहाँ पर घूर्णन होना चाहिए, पूर्ण घूर्णन के बराबर हो क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हम लोग कोण बना रहे हैं, एक कोण यहाँ से गया पूरा 1 राउंड घूम गया, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा और उसको क्या कहेंगे? तो 360 डिग्री का कोण बनेगा और इसको हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, 2.04 को लघुत्तम रूप में लिखिए, इसको लघुत्तम रूप में लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19 नंबर, 2.04, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर देखना है कितना संख्या है, 2 संख्या है, 0 और 1, तो 1 लिख कर नीचे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 204/100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे हम लोग, 4 से काटते हैं, 4 दुना 8 और 2 इधर आकर 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, और यहाँ पर भी काट सकते हैं हम लोग, 2 4 से काटेंगे पहले, ठीक है, 4 पच्चे 20 और 4 एक 4, तो 51/25 आया है, इसको नीचे लिख देंगे 51/25। अब 25 से भाग देंगे 51 को, तो हमारे पास देखिए 25 दुना 50 हो जाएगा और शेष 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए जो भागफल रहता है उसको इधर साइड में लिखते हैं और जो शेष फल रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे 25 लिखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 2 पूर्णांक 1/25, यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/25। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर, अगला सब्जेक्ट शुरू होगा, अच्छा 20 नंबर मैथ, उसके बाद अगला सब्जेक्ट है। देखिए 20 नंबर, दी गई आकृति की माप परिमाप, परिमाप ज्ञात कीजिए, आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 6 भुजा है, तो 6 भुजा है और सभी भुजा बराबर है, तो 6 गुना भुजा फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, षष्ठभुज का सम षष्ठभुज का परिमाप, बट हम लोग उतना नहीं करने वाले, नॉर्मली सबको यहाँ पर प्रत्येक भुजा को जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल। आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, टोटल 6 बार 3 को जोड़ देंगे तो 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर परिमाप आएगा। अब बढ़ते हैं अगला सब्जेक्ट की ओर, विज्ञान। देखिए विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है, अनाज में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है बताना है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर, 22 नंबर देखिए, वायु में जल कैसे प्रवेश करता है, वायु में जल कैसे प्रवेश करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाष्पन द्वारा, जब वाष्प होता है तब जो जल है वो वायु में मिल जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं पर्णवृत्त, पर्णवृत्त ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है पूछा जा रहा है, तो देखिए नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण पत्ता में होता है, लेकिन यहाँ पर नागफनी के केस में तना बोलना है, ठीक है, तना सही आंसर होगा, तना से प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इसका हरा भाग तना होता है। अब देखिए 25 नंबर, मक्खन का पेपर क्या है, पारदर्शी, पारभासी, तेल का या फिर अपारदर्शी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पारभासी, ठीक है, पारभासी होगा मक्खन का पेपर। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, आटे में से अशुद्धियां कैसे दूर की जाती है, तो आटे में से अशुद्धियां ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छलनी द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, हृदय की सुरक्षा कौन करती है, पसलियां या उपास्थियां, त्वचा या फिर ए और बी दोनों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, पसलियाँ और उपास्थियाँ दोनों। फिर देखिए 28 नंबर, दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है, तेल लगा हुआ कागज, लकड़ी, प्लास्टिक या फिर पानी, तो यहाँ पर देखिए अगर पानी साफ है तब तो पारदर्शी होता है, प्लास्टिक ये अगर प्लास्टिक व्हाइट प्लास्टिक है तब तो पारदर्शी होगा, ब्लैक है तो अपारदर्शी हो जाएगा, और
पारभाषी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तेल लगा हुआ कागज, ये पारभाषी ही होता है अक्सर, ठीक है। लकड़ी तो अपारदर्शी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, आवर्ती गति के कुछ उदाहरण है। आवर्ती गति का उदाहरण ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, झूले की गति। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, निम्न में से कौन कैल्शियम के स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बादाम। वैसे केला में भी होता है, लेकिन बादाम में ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, हवा का सक्रिय हिस्सा है, हवा का सक्रिय हिस्सा कौन है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आग लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर, शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है? तो पैरों के नाखून लंबे होते हैं, ये भी सही है। मटमैला होता है, ये भी सही है। शिकारी जो है, शिकार जो है यानी कि हिरन वगैरह, उसको आसानी से नहीं देख पाते हैं मटमैला रंग होने के कारण। फिर देखिए तीसरा, चेहरे के सामने आँख आँख, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। फिर देखिए 34 नंबर, कंबाइन मशीन का उपयोग निम्न में से किस में होता है? यहाँ पर कंबाइन मशीन का उपयोग किस में होता है पूछा जा रहा है, ताड़ना में, फटकना में, या फिर छानना में, या निस्यंदन में। तो यहाँ पर देखिए निस्यंदन तो इसका नहीं होगा, छानना भी हम लोग उसमें जो धान है उसको छानने का भी काम तो करता ही है, फटकना वो फटकता ही है, ताड़ना ये भी करता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कंबाइन मशीन का उपयोग क्या है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपके अनुसार क्या होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर, कौन सी संधि शरीर के किस भाग को एक हिस्से में गति होना देती है? थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर, ग्रामर आई थिंक थोड़ा ठीक नहीं है। कौन सी संधि शरीर के किसी भाग को एक हिस्से में गति देती है, इस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हिंज संधि। इसको आपको याद रखना है, हिंज संधि सिर्फ एक ओर गति देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर, कूल्हे की अस्थियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्रेणो अस्थियाँ, ठीक है, श्रेणो अस्थियाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पोलिस्टर। पोलिस्टर संश्लेषित रेशा है, ठीक है, संश्लिष्ट तंतु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर, विद्युत चालक किसे कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित तो होती है, ये तो सही है। भी देखिए जिनमें वस्तु प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट नहीं उगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, राजस्थान। फिर देखिए 40 नंबर, हम सूर्य को कैसे देख सकते हैं? हम सूर्य को कैसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, चश्मों से भी नहीं देख सकते हैं, सूची छिद्र कैमरा के द्वारा, इसके द्वारा हम लोग सूर्य को देख सकते हैं, दूरदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर टेलीस्कोप रहता तब तो सही है, लेकिन यहाँ पर दूरदर्शी मतलब दूरबीन होता है, उसे भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट, देखिए इंग्लिश 41 नंबर, देखिए हु रिफ्यूज टू लिव इन द पैलेस इन द पोएम द एम्पायर एंड द नाइटेंगल? तो द एम्पायर एंड द नाइटेंगल में, महल में रहने के लिए किसने मना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नाइटेंगल ने, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर की ओर, 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द पोएट नोज दैट द स्काई लार्क्स नेस्ट इज ब्लैंक द कॉर्नफील्ड। तो यहाँ पर देखिए विजिबल इन, या हिडन इन, या फार अवे फ्रॉम, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हिडन इन सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 43 नंबर की ओर, हु इज द पोएट ऑफ अ टीचर फॉर ऑल सीजन पोएम? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, जोना फट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर, हाउ मैनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज ए प्लान? जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश भारत को कितने टुकड़ों में छोड़ कर गए थे,
ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 500। ठीक है, 500 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार पटेल्स वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, सरदार पटेल की पत्नी किस बीमारी से पीड़ित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, या यहाँ पर है 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज रोल्ड डाल बोर्न, रोल्ड डाल कब जन्म लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 13 सितंबर। इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 47 नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ आई ड्रीम अ वर्ल्ड, आई ड्रीम अ वर्ल्ड के कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लैंगस्टन ह्यूजेस। फिर देखिए 48 नंबर, व्हेन वाज लैंगस्टन ह्यूजेस डाई, लैंगस्टन ह्यूजेस कब मरे, कब उनका देहांत तो हुआ। पर आप देख सकते हैं जब मैंने गूगल पर लैंगस्टन ह्यूजेस के बारे में सर्च किया तो यहाँ पर उनका जो डाइट इनका देहांत लिखा हुआ है 22 मई 1967, बट जो ऑप्शन में 1967 है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1967 कहीं पर नहीं है, यहाँ पर 1965 थोड़ा सा नज़दीक है 1967 के, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर की ओर, वाई द चिल्ड्रेन डाई एट 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर, नेम द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया, टैग गेम इन इंडिया, इंडिया का टैग गेम मोस्ट पॉपुलर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, खो खो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर की ओर, 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर डाई, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1941, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, थोड़ा फ्रीडम फाइटर ज़्यादा ये सूटेबल लग रहा है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चित्रा बनर्जी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 53 नंबर की ओर, 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विथ हुम डिड मनी फील लाइक शेयरिंग हिज गुड सीक्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वामीनाथन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर की ओर, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 13 जुलाई। फिर देखिए 55 नंबर, हाउ मैनी आवर्स अ डे डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितना घंटा काम करती थी एक दिन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 20 घंटा। फिर देखिए 56 नंबर, व्हेन डिड मदर टेरेसा गेट द नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1979, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए नेक्स्ट 57 नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेस्ट, हेस्ट का सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, हरी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, 58 नंबर, 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आई विल मीट हिम ब्लैंक सैटरडे आफ्टरनून। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑन, आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे आफ्टरनून। फिर देखिए नेक्स्ट 59 नंबर, ही ब्लैंक गोज टू द सिनेमा, पिक द करेक्ट एडवर्ब। तो यहाँ पर ही रेयरली गोज टू द सिनेमा ये बेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर, 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन मैन इज रिवील्ड बाय अन ब्लैंक स्टडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इकोलॉजिकल। फिर देखिए नेक्स्ट सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान मतलब GK। चलिए हम लोग देखते हैं 61 नंबर, हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने किस तिथि को संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया। तो इसका सही आंसर, चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 5 फरवरी 2022 को, हाल में ही, ठीक है, लगभग 6-7 महीने पहले का ही बात है।
अब देखिए 63 नंबर 63 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया में इस्पात उत्पादक देश में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब देखिए नेक्स्ट 64 नंबर, अंग्रेजों भारत छोड़ो यह नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महात्मा गांधी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 65 नंबर, भारत में पहला सिनेमा कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुंबई में। फिर देखिए नेक्स्ट 66 नंबर, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत को, भारत में शतरंज का खेल का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर की ओर, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? तो तारों के कारण ओजोन तो गलत हो जाएगा, इंद्रधनुष भी गलत हो जाएगा, धूमकेतु भी गलत हो जाएगा, ब्लैक होल, तारा जब मर जाता है तो ब्लैक होल बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 68 नंबर की ओर, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गोदावरी को कहा जाता है गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है भारत का। फिर देखिए नेक्स्ट 69 नंबर, पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हनुमान गांव, और इसको सतबरवा भी कहते हैं, ठीक है, हनुमान गांव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 70 नंबर की और, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एनी शाह, ठीक है, एनी शाह इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 71 नंबर, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 15वीं शताब्दी में। फिर देखिए नेक्स्ट 72 नंबर, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2000 में, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से उसी वक्त रांची उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 73 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जादूपतिया, झारखंड की चित्रकला शैली जादूपतिया, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। अब देखिए 74 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संथाल परगना में किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 75 नंबर, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, जन्मदिन, या शिकार, या उत्सव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शिकार के अवसर पर, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 76 नंबर की ओर, देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? पहला ऑप्शन है 25%, या 30%, 40%, या 65%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 40%। अब देखते हैं नेक्स्ट 77 नंबर, झारखंड राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण योजना किस वर्ष शुरू कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2015 ईस्वी में शुरू कराया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 78 नंबर की ओर, 78 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? देवघर, पलामू, गढ़वा, रांची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रांची। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 79 नंबर की ओर, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सी हो जाएगा, रांची, कांके से होते हुए गुजरती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। देखिए झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाइक, पाइका, ठीक है, पाइका डांस किया जाता है, पाइका डांस, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग क्लास सिक्स का RTSE तो यहाँ पर हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखें, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।